तो जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। अभी मैं जा रहा हूँ USA से कनाडा, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियो में सब कुछ, कैसे जाना है, कहाँ पे है, मैं कहाँ पे जाऊँगा, सभी चीज़ें मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अभी मैं खड़ा हूँ US के साइड में, तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे जो है वो सब कनाडा है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कनाडा का फ्लैग, शायद आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, पर ये जो बीच में है वो नायग्रा रिवर है। तो जी दोस्तों, मैंने मेरा सफ़र शुरू किया था मेरी होम सिटी से, और वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके बफेलो सिटी आ गया, जो पड़ता है न्यूयॉर्क स्टेट में। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने रेंटल कार ले ली, जो मैंने बुक की थी 7 दिन के लिए। मैं घूमने जा रहा था 7 दिन कनाडा। ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा बफेलो सिटी। यहाँ से हम लोग जा रहे थे रेनबो ब्रिज की ओर। आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा रेनबो ब्रिज, जो पड़ता है US और कनाडा के बीच में। तो ये है रेनबो ब्रिज, यहाँ से दूसरी ओर है सामने की ओर कनाडा, और ये है बीच में नायग्रा रिवर के ऊपर। अभी हम आ गए कनाडा की साइड नायग्रा सिटी में। तो जी, मैं बात कर रहा था कार की, तो मैंने बुक की थी टोयोटा की RAV4, पर मुझे वो मिली नहीं, तो वो लोग ने मुझे फोर्ड की एक्सपीडिशन कार दे दी, जो सेम ही प्राइस में दी, पर इसकी थोड़ा गैस ज़्यादा जाएगा, पर कोई बात नहीं, ये कार पड़ी थी और आरामदायक थी, तो चल गया, हमने ले ली। तो हम 3 लोग थे जो ये सफ़र पे जा रहे थे, मैं और मेरे 2 दोस्त। तो हम सब लोग बफेलो के एयरपोर्ट पे में पहुंच गए थे, और उसके बाद मैंने कार पिकअप कर ली, और दूसरे दो लोग वहाँ पे आ गए। तो हम सब लोग वहाँ से बफेलो एयरपोर्ट से, ये जो बॉर्डर है वो 40-50 मिनट की दूरी पर है, और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग आपका सब इमिग्रेशन चेक करते हैं, और वहाँ से आपको एंट्री दे देते हैं। बहुत कुछ नहीं, वो लोग 2-4 सवाल करते हैं, और वो लोग को ठीक लगता है तो वो लोग अंदर जाने देते हैं। और सीधा अभी हम नायग्रा सिटी में घूम रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं कार पार्किंग देख रहे हैं नायग्रा फॉल जाने के लिए। तो ये सब कुछ है नायग्रा सिटी कनाडा की ओर। तो अभी हम लोग नायग्रा फॉल के करीब तो पहुंच गए हैं, पर हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं पार्किंग। तो हमें पार्किंग ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है, काफ़ी हम लोग घूमे इधर उधर, तब जाके हमें अभी एक पार्किंग मिला है, जहाँ पे मतलब $5 या $10 हम लोगों ने कैनेडियन दिए हो गए। उसमें वो लोग ने बोल दिया आप जब चाहो तब तक पार्क कर सकते हो, रात में ले जाओ कोई बात नहीं। तो ये पूरा वॉकवे है नायग्रा फॉल का। अरे भाई, कौन कौन इसमें बैठना चाहता है? जायंट व्हील में हाय, व्हाट्स द प्राइस फॉर नहीं? ओह ओके, आई डोंट थिंक $15 एंड यू हैव सम प्राइस करेक्ट। ए, वी आर कमिंग लेटर। फाइनली हमें पार्किंग मिल गया है, और अभी हम निकल पड़े हैं नायग्रा फॉल की ओर घूमने के लिए। और ये ही सामने की ओर है नायग्रा फॉल, वहाँ जो वहाँ पे फॉग उड़ रहा है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी पूरा, बहुत सारे इंडियन थे, फॉरेनर थे, पता नहीं, बहुत सारे लोग मिले। और वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है, आपको भी एक बार आना चाहिए अगर आपको मौका मिले तो लाइफ में। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, और रात में ज़रूर आ पाइएगा। रात में यहाँ पे दिखता है लाइट शो, और डायरेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं ये लोग लाइट नायग्रा फॉल पे, डिफरेंट डिफरेंट कलर की।
तो ज़रूर आइए, रात में भी और दिन में भी, दोनों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और बने रहिए मेरे सफ़र के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।